हम स्टूडेंट्स अपना डेली चला था उसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन उदाहरण दे रखा है, एक कप जल में कितनी मात्रा में धनावेश तथा ऋणावेश होते हैं। एक कप जल कितनी मात्रा में आवेश है, ऋण आवेश का एक कप जल है और एक कप में कितने मात्रा जल की 250 ग्राम। ठीक है तो देखिए जल की मात्रा उसको स्मरण द्वारा लिखते हैं कि जल में है, कप में जो जल है उसकी मात्रा क्या है, आंसर क्या लिखेंगे, कप में जल की मात्रा नंबर हो सकते हैं जल की मात्रा इसको स्मरण द्वारा लिखेंगे 250 ग्राम। कितनी है 250 ग्राम। जल का सूत्र क्या होता है H2O का, क्या होता है H2O, तो जल का अणु भार कितना हो जाएगा, दो ऑक्सीजन के हो गए और ऑक्सीजन के 16 है तो जल का अणु भार दो तो हाइड्रोजन के हो गए और ऑक्सीजन का कितना तक मान सुन रहे तो प्रश्न कितने हो गए 4 है, चलो मैं कितना बचता है। अब देखिए आपको पता है H2O तो हाइड्रोजन के लिए देखते हैं तो H2O में हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु कितनी उपस्थित है 2, ठीक है ना, हाइड्रोजन परमाणु 2 है, एक ऑक्सीजन है, इनकी परमाणु संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन की 1 तो 2 की 2 गई, ऑक्सीजन की 8 तो 2 और 8 10। तो कहने का अर्थ है प्रोटॉन प्रोटॉन का तो धन आवेश वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि H2O में हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसकी संख्या 2 होती है और एक क्या होता है इसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, जिसके कारण इसमें 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर जिसके कारण दस प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन स्मॉल मात्रा में होती है। तो सबसे पहले इससे संबंधित हम क्या करते हैं, पिछले वाले अध्याय 15 में मैंने आपको बताया था ये किसी भी परमाणु के अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए क्या बताया हुआ है, एक कप जल संख्या
Continue to plan smaller multiple number 19. And क्या अवगाद्रो संख्या क्या होती है? अवगाद्रो संख्या जिसका मान फिक्स होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23, ठीक है ना। तो देखिए इसके अनुसार यदि n की वैल्यू निकालते हैं तो स्मॉल m एक कप में कितना दूध था? 250 ग्राम था। कैपिटल m कुल अनुभार कितना था? 18। यानी अवगाद्रो संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 23, ठीक है। तो तनावेश और ऋणावेश की मात्रा ज्ञात करेंगे। देखिए 18 कहाँ से आया है? तो 17 सबको क्वेश्चन दे रखा है, जल की मात्रा इतनी है कप में, ठीक है। जल का जो अनुभार होगा वो कितना होगा? हाइड्रोजन के दो परमाणु तो दो, और ऑक्सीजन के लिए कितना किया जाए द्रव्यमान संख्या 16 होती है। तो कुल द्रव्यमान कितना गया, अनुभार कितना गया? 18 आ गया। तो आपको पता है H2O में हाइड्रोजन परमाणु के दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, जिसके कारण से प्रोटॉन अंदर से इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में होते हैं H2O में। तो एक कप में जल की अणुओं की संख्या ज्ञात कर ली हमने, ठीक है। इसके बाद में क्या ज्ञात करते हैं? कप में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा। क्या लिखेंगे? देखो धनावेश में ऋणावेश की मात्रा कितने हैं? 10 10 mE, ठीक है। 10 ऐसा ऐसा एम की वैल्यू कितनी है? ये रही 250 18 6.023 23। ई की वैल्यू 3.45 19। तो हल करेंगे, तो हल करके देखेंगे इसका मान आ रहा है 1.3 1.337 गुणा 10 की घात 7। 1.337 गुणा 10 की घात 7, ठीक है ना। कूलम एक कप में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा? 1.337 गुणा 10 की घात 7। तो पहले तो आप क्या है अणुओं की संख्या ज्ञात कर लो। अणुओं की संख्या की स्मॉल एन की वैल्यू चाहिए। तो वो क्या होती है? कप में जल की मात्रा कितनी है? 10 ग्राम। देखो कि स्मॉल एन का मान कितना है? 10 ग्राम। कैपिटल एम तो जल के जल का अणुभार कितना होता है वो देखना है। तो आपको पता है हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक होता है। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान संख्या 16, और हाइड्रोजन के लिए दो है तो दो लिखते हैं। तो 16 2 18, कैपिटल एम का मान कितना है? 18। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं अणुओं की संख्या, ठीक है ना। अणुओं की संख्या ज्ञात कर लो स्मॉल एम बटा कैपिटल एम इंटू एन ए। अवगाद्रो संख्या 23 का मान पूछ होता है 6.023 23, ठीक है ना। अब आपको पता है इसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या होती है? समान होती है। प्रत्येक में H2O के लिए कितने होते हैं? 10 प्रोटॉन होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके अनुसार Q बराबर कर लेते हैं 10 ME, ठीक है। एम की वैल्यू है आपके पास, ये भी फिक्स है, हल कर लेना, ये आंसर है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या देखा? देखो क्या कह रहा है। समान आवेश वाले दो धनायन, समान समान आवेश वाले दो धनायन, समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर परस्पर
की घात में न्यूटन न्यूटन बल से प्रतिकर्षित है। जबकि इनके मध्य एक दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है, जबकि इनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। तो प्रत्येक आयन में सामान्य संतुलन अवस्था के लिए सामान्य अवस्था कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो देखिए मैं क्या लिखा है, दो समान आवेश, तो आंसर में प्रश्न ऐसा लिखते हैं, क्यूवर और क्यूटू की वैल्यू समान रखी है, दोनों बनाएंगे तो प्रश्न लगेगा। इनके मध्य लगने वाला बल रखा है 3.7 × 10⁻¹⁹ का, जबकि इनके मध्य एक दूरी मतलब 5 एंगस्ट्रॉम और 5 एंगस्ट्रॉम 10⁻¹⁹ मीटर। सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें आपको ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें आवेश कितने वो ज्ञात कर लेते हैं। तो कूलॉम नियम से बराबर रखी है, तो देते हैं F का मान भी देता है 3.7 × 10⁻¹⁹ की वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁻¹⁹ ठीक है ना। के लिए क्यू वन और क्यू टू दोनों के मान क्या है, Q × Q 8² तो 5 × 10⁻¹⁹ ये रेखा का मान, क्यू का मान निकालते हैं तो क्यू क्यू से गुणा करेंगे क्या जाएगा, Q² आ जाएगा। तो 5 × 10⁻¹⁹ स्क्वायर का मान स्क्वायर होना होगा 5 × 10⁻¹⁹ का मान निकालेंगे क्या जाएगा, अनुरूप लग जाएगा 35 × 9 × 10⁻¹⁹ ठीक है। क्यू बराबर 25 × 5 × 3 ठीक है। अब देखिए 3.7 का और रूमो निकालते हैं, क्या निकालते हैं 3.7 का, तो आएगा 1.92 जाएगा 1.92
अड़तीस की घात माइनस अड़तीस इसका वर्ग उनतीस की घात माइनस उन्नीस। ठीक है, और दिखते हैं और हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, समान आवेश है इसलिए क्यू आर और क्यू टू की वैल्यू क्या होती है, समान थी क्यू। लगने वाला बल देखा है 3.7 गुणा 10 की घात माइनस 9 पर एफ की वैल्यू देती है, जबकि इनके मध्य की दूरी मतलब आर 5 गुणा 5 एक्सट्रोम है तो 5 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। फिर आपको याद करना है कि सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सबसे पहले गुलाम नियम लगाओ, उसके अनुसार जो वैल्यू दे रखी वर्ग दो के स्थान को रख दिया और के की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 9 यहाँ से क्यू की वैल्यू याद कीजिए कर लोगे। ठीक है, और हल करते हैं इसको। समय अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी। ठीक है ना, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देख कर देखिए। उसके लिए पहले की क्वेश्चन बुला देता हूँ मैं। एक तो आपको निर्वात में द्रव्युत्तर कोई दो आवेश है प्रारंभ में निर्वात में है क्यू और क्यू नोड, दिक्कत नहीं है। इनके मध्य दूरी आर निर्वात में है तो निर्वात के लिए क्या लिखेंगे, निर्वात के लिए दो आवेश के मध्य दूरी आर भाई F
ini 1/4 epsilon 2 upon r square. किसी माध्यम में वाक्य की शुद्धता और यदि पर उत्पन्न दे रखा हो तो उसके लिए ये समझौता है प्रॉब्लम नोड है अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। और दिक्कत नहीं है, इसे समय में वेरिएबल कर करवाएंगे, जो ध्यान रखना साथ साथ में करके देख लेना। आपके आज के लिए काफी है, गुड बाय, ठीक है।